हेलो दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपसे लुसेंट सामान्य ज्ञान बुक के बारे में, और इसमें हम आज कवर करेंगे विविध। जी हाँ, विविध का ये होगा पार्ट वन, जिसमें हम कवर करेंगे भारत में प्रथम महिलाएं कौन कौन सी थी उनके नाम, भारत में प्रथम पुरुष कौन कौन से थे उनके नाम, विश्व में प्रथम और अन्य काफ़ी सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम कवर करेंगे विश्व में सबसे बड़ा, ऊंचा, लंबा, छोटा और प्रमुख देशों के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक को अपने पास में रख लें। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस बुक को आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, और फिर उसके बाद अगर आप वीडियो देखते हैं और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा, हाईलाइट आपको मैं जो करवाऊंगा, वही सेम एज ए डिटो आपने अपनी बुक में भी अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, और एक टाइम के बाद में उसको रिविजन भी जरूर करना है। अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि केवल एक बार वीडियो देख करके अंडरलाइन कर दिया और मुझको याद हो जाएगा, तो शायद ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तो इसलिए एग्जाम के साथ आपको रिस्क नहीं लेना है, ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको अंडरलाइन करने हैं, आपको देखो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन कौन है, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछता, आपसे पूछता है मैक्सिमम एग्जाम में। आपका चाहे ग्रेड डी का एग्जाम हो, ग्रेड सी का एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम क्यों ना देते हो, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम पूछी जाती हैं चीज़ें भारत में प्रथम के बारे में महिलाओं से संबंधित, केवल उतना ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। और बात करेंगे हम लोग प्रथम, हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रथम महिला जो लोकसभा अध्यक्ष रही थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था मीरा कुमार। ये लेडीज से अभी कुछ ही हाल फिलहाल कुछ समय पहले इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से अपना इस्तीफा दिया है, मतलब कि अपना टाइम पूरा करा उन्होंने और उसके बाद में ये अध्यक्ष अब नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रजिया सुल्तान। और प्रथम महिला आईपीएस, ठीक है, आईपीएस अधिकारी के बारे में जरूर पूछता है आपके एग्जाम में, तो ये है आपका किरण बेदी। याद रहेगा, प्रथम प्रधानमंत्री महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, लोकसभा अध्यक्ष प्रथम महिला जो थी वो थी मीरा कुमार, और आईपीएस ऑफिसर कौन है, किरण बेदी। और महिला शासिका, ये जो महिला शासिका है ये कौन है, रजिया सुल्तान। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रेलवे एग्जाम। रेलवे एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, और एसएससी एमटीएस और 10+2 में पक्का पूछा गया है। इसका नाम है, इनका नाम है एनी बेसेंट। और उसके बाद हम बात करते हैं मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली जो प्रथम महिला है उनका नाम है रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया, या सिंपल नाम याद रखिए रीता फारिया। तो एग्जाम में आपको रीता फारिया देगा ऑप्शंस में, तो आपको राइट आंसर लगाना है रीता फारिया, कुमारी कभी कभी वो नहीं देता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, जो अंतरिक्ष में गई थी उनका नाम क्या, उनका नाम है कल्पना चावला। जो अंतरिक्ष में गई थी ये प्रथम भारतीय महिला है। उसके बाद में बस केवल आपको इतना ही याद रखना है यहाँ पर कि, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। अब बढ़ता हूँ मैं अगले पेज की ओर कि भारत में प्रथम पुरुष कौन कौन से थे। देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, तो उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। सॉरी, ये प्रथम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय है आपका लॉर्ड कैनिंग। और आज़ादी के समय कौन थे भारत का अंतिम वायसराय, अंतिम गवर्नर जो था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग, लेकिन अंतिम वायसराय कौन था, ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको ये चीज याद रखनी है, दोनों ही नाम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये थे अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुषों की बात कर रहे हैं हम लोग, भारत में देखिए प्रथम पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो बार बार पुरुष नहीं बोलूंगा मैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे पुरुष में, तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। एग्जाम में आपको पूरा नाम नहीं देता है, एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो इस तरह से पूछेगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे पुरुषों में, उनका नाम क्या है, तो वहां पे आपको देगा जी वी,
माँ वलंकर है, जी से गणेश, वी से वासुदेव, ठीक है। तो जी भी माँ वलंकर बोलता है, उनका पूरा नाम क्या था, गणेश वासुदेव माँ वलंकर। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, याद रखना दोनों नामों को, व्योमेश चंद और बदरुद्दीन तैयब जी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, प्रथम अंग्रेज जो था मुगल दरबार में जो आया था, वो आया था हॉकिंस। और बेटी संसद का सदस्य बनने वाला, जो बेटी संसद थी उसका भी एक सदस्य बना था भारत का व्यक्ति, ठीक है, उसका नाम था दादा भाई नौरोजी। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं भारत में प्रथम अन्य क्या क्या चीजें रही हैं, प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। देखिए प्रथम बोलती फिल्म के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये है आपकी आलमारा, ठीक है, आलमारा प्रथम बोलती फिल्म थी। और उसके बाद में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जो ये है जयपुर में, लेकिन देखिए जयपुर के साथ में महिला रोजगार कार्यालय तो बहुत ही रेयर ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप रिस्क मत लेना, पता चलेगी आपका एग्जाम कोई दूसरा हो, एमपीपीएससी का या फिर किसी और का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस की प्रायोरिटी थोड़ी कम बनती है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेना, ठीक है। लेकिन अगला जो है आपका 18 पॉइंट, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो समाचार पत्र जो था वो था बंगाल गजट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कि डेल्टा नहर बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती है, नर्मदा वे ताप्ती। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राज्य की बात कर रहा है, ध्यान रखना राज्य जो सबसे बड़ा है वो है आपका राजस्थान, और बात करें आपसे जिले की तो जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से वो है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का बहुत ही रेयर चांस है पूछने का, लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्र की दृष्टि से, वो है आपका राजस्थान। और सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नई दिल्ली से भोपाल एक्सप्रेस, जो है ना शताब्दी एक्सप्रेस बोलते हैं उसको, तो ये है ट्रेन का नाम। अब हम बात करते हैं विश्व में प्रथम, देखिए विश्व का पहला धर्म कौन सा है, हम कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं, हम मुस्लिम धर्म के हैं, हम इस धर्म के हैं, लेकिन वास्तव में जो विश्व का पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड की, वर्ल्ड का जो पहला धर्म है वो है आपका सनातन धर्म। क्या है, सनातन धर्म। हमको धर्मों के नाम तो बहुत बहुत पता होते हैं, लेकिन हमको कभी कभी ये नहीं पता होता कि विश्व का सबसे पहला धर्म कौन सा था, तो वो था सनातन धर्म। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कागज से संबंधित कोई भी गतिविधि जो हुई थी, पुस्तक जो प्रिंट हुई थी, प्रिंट करने वाला देश कौन था वो था चीन, और कागज का उत्पादन करने वाला कौन था, ये भी चीन था। और कागजी मुद्रा जो उसने स्टार्ट करी थी, जैसे 100 का नोट कहते हैं आप लोग, नोट क्या होता है, 100 का होता है ना, पेपर पे प्रिंट होता है ना, तो ये भी सब जो कागज से गतिविधि जो भी करी थी ना, तो वो चाइना ने करी थी, चीन ने करी थी, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश, भाई यूपीएससी, ठीक है, तो ये जो देश के इसने शुरुआत करी थी चीन ने, तो चीन ने काफी कुछ अच्छी चीजें करी है, ऐसी बात नहीं है। तो आप ना चीन पेपर, पेपर कैसा होता है, व्हाइट होता है, तो चीन के लोग कैसे होते हैं, गोरे गोरे होते हैं, व्हाइट व्हाइट करके कलर के होते हैं ना, तो आप इस तरह से इसको याद कर लेना। वैसे आपको इसके लिए कोई लॉजिकल बिठाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल भी आप याद कर सकते हैं। अब फिर हम बात करते हैं कि प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी, याद है ना आपको, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, सबसे पहला जो बम गिरा था वो गिरा था हिरोशिमा पर, सेकेंड गिरा था आपका नागासाकी पर। उसके बाद विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय, 1800 BC में ये बना था। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कहाँ के थे, ये थे यूएसए के। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंग्लैंड की बात कर रहा है, ठीक है, इंडिया की कौन है तो वो हमको पता है महिला में, लेकिन यहाँ बात कर रहा है इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है मार्गरेट थैचर। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, जिन इनका नाम है जुंको तेबई, ये है कहाँ की, जापान की। और पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये है आपका
अनगेजी मेंडर, इसको मेंडर भी बोलते हैं, एग्जाम में कभी कभी आपको मेंडर देता है, अनगेजी नहीं देता है। तो आपको पूरा ही नाम याद करना है, थोड़ा सा अगर लगता है कि कुछ वो नाम में कुछ हेर फेर करता है तो तब भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, नाम तो ये पूरा ही आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, उनका नाम है गर्ट रूड एडरले, गर्ट रूड एडरले, ठीक है। देखिए बहुत कमी मैंने हाईलाइट कर रखा है, मैं ढेर पे बिलीव नहीं करता हूँ कि आप लोगों को मैं हर एक एक लाइन को बस मशीन की तरह पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो अभी हम केवल क्वालिटी पर फोकस करते हैं, क्वांटिटी आप जॉब के बाद पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको क्वांटिटी से पढ़ना है तो जॉब एक बार लग जाएगी ना, तो उसके बाद जब आप फ्री हो फिर तो उसके बाद में फिर आप क्वांटिटी के साथ एक एक लाइन को याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, क्या पढ़ना है क्वालिटी हमको पता होनी चाहिए। अभी फिर हम बात करते हैं विश्व में सबसे बड़ा छोटा ऊंचा, जैसे मैंने आपको अभी आपको बताया था ना कि विश्व में सबसे छोटा बड़ा ऊंचा ये हम पढ़ेंगे, तो अब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है, तो वो है भारत। सबसे ज़्यादा जहाँ पे निर्वाचन पड़ता है मतलब वोटिंग पड़ती है, तो वो है आपका देश भारत। भारत में सबसे ज़्यादा इलेक्शन होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है आपका अंटार्कटिका, और सबसे छोटी सीमा वाला देश जिसकी सीमा क्या सबसे छोटी है, तो वह है आपका जिब्राल्टर। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीन लैंड। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह है मिस्र। और सबसे बड़ा डेल्टा भी आप याद करिए, यह है आपका सुंदरवन, कहाँ पर है, यह है भारत में, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा है, लंबी नदी है आपकी नील नदी। सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, यह है आपकी कील नहर। सबसे व्यस्त नहर, बिजी नहर कौन सी है, तो यह है आपकी कील नहर। और उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे गहरी झील कौन सी है, तो अगर बात करें गहराई के बारे में, सबसे गहरी जो झील है वो है आपकी बैकाल झील, कहाँ पड़ती है, यह है आपकी रूस में। उसके बाद में सबसे ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, यह आपका टिटिकाका झील, कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में, याद रहेगा, व्यस्त नहर, कील नहर, गहरी झील, बेकाल झील, और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, यह आपका टिटिकाका झील, कहाँ पर है, यह है दक्षिण अमेरिका में। क्योंकि तो कभी कभी यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए ब्रैकेट में जो उसका नाम दे रखा है कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है, आपको बोलेगा रूस, कनाडा, टर्की, या फिर बोलेगा आपसे दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे आपको इसका नाम भी याद करना है, आप ये नहीं कि सिंपल आपने याद कर लिया कि सबसे व्यस्त नहर है कील नहर और बाकी बैकाल झील, टिटिकाका झील, लेकिन कहाँ पर स्थित है ये भी तो आपको पता करना है ना, तो ये भी आप याद करना, ठीक है। अगर हो सके आपके पास मैप हो ना, एटलस मैप, तो आप उसमें देख लीजिए झील कहाँ पर है। तो अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है मैप देखने का, तो उसे छोड़ो मत, ठीक है। मैप उठा के थोड़ा सा टाइम खर्च हो जाएगा लेकिन आपकी जो पढ़ाई होगी वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, झरना, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है कह सकता है, या फिर बोलेगा जलप्रपात, जलप्रपात को बोलते हैं झरना। यह है आपका साल्टो एंजिल, तो साल्टो एंजिल कहाँ पर है, यह है वेनेजुएला में, कौन सी नदी पर, यह है आपका कैरोना नदी पर। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यह है पामीर, तिब्बत का पठार, मतलब कि ये पामीर का पठार कहाँ पर है, तिब्बत में है। और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, यह ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल कहाँ पर है, यह है आपका न्यूयॉर्क में। सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली मार्ग भारत में। और सबसे बड़ा सड़क पुल कहाँ पर है, महात्मा गांधी सेतु पटना भारत में, ये ठीक है, पटना कहाँ पड़ता है, भारत में पड़ता है ना, ये पटना में है महात्मा गांधी सेतु। सबसे बड़ा रेगिस्तान है आपका सहारा, कहाँ पर है ये है अफ्रीका में। और सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, ब्रिटिश संग्रहालय, ये कहाँ पर है, लंदन में। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, ये है आपका महाभारत। सबसे विशालकाय पशु, ये है आपका ब्लू हेल, तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों को, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभी मेरे पास कुछ कमेंट इस टाइप से आते हैं कि सर आप कुछ एक्स्ट्रा बताया करो, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने लगूंगा तो सर एक पेज पे ही केवल एक वीडियो बनेगा, और इसमें कितने पेज है, कम से कम 400 कुछ पेज है एक बुक में, 300 400 300 के हिसाब से 300 वीडियो अगर मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा तो सोचिए कितना हॉशपॉच आपके माइंड में बन जाएगा। तो इसलिए केवल पढ़ना है आपको, ज़्यादा डीप में नहीं जाना कि महाभारत, महाभारत में 5 पांडव थे, द्रौपदी, चीरहरण, फिर बाद में वो लोगों को
वनवास मिला, कर्ण ने ये दान करा, तो इन सब में इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है फिलहाल, ठीक है। तो फिलहाल आपको कट्टुकट पढ़ना है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। इसको मैंने हाईलाइट नहीं करा है क्योंकि ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। मैंने करा है यूके, यूके का देश को मैंने हाईलाइट करा है, इसका चिन्ह है सफ़ेद लिली। और न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है कीवी, सदर्न क्रॉस एंड फर्न। फिर हम बात करेंगे कनाडा के बारे में, कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है आपका मैपल लीफ, ठीक है, मैपल लीफ। और उसके बाद हम बात करते हैं झुकी हुई मीनार कहाँ पर है, ये है पीसा में, और पिरामिड, स्थान है गीजा, देश है मिस्र। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है झुकी हुई मीनार कहाँ पर, कौन से देश में स्थित है, तो ये है इटली में। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिरामिड कहाँ पर है, तो ये है आपके मिस्र में। इम्पीरियल पैलेस कहाँ पर है, ये है टोक्यो में, मतलब देश है जापान, जापान के अंदर टोक्यो है, ये इसकी कैपिटल है, और इसमें आपको मिलेगा इम्पीरियल पैलेस। अगर वो घूमने जाना हो तो ये इम्पीरियल पैलेस इसका राष्ट्रीय स्मारक है। फिर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये कहाँ पर है, ये है आपका यूएसए में, न्यूयॉर्क में। इसके साथ में आप एक चीज़ और याद कर लीजिए साथ में, ये आप एफिल टावर भी याद कर लीजिए कहाँ पर है, ये है फ्रांस देश में, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। तो ये पहले से ही पूरी बुक को अच्छे से स्टडी करने के बाद में ये ब्लू हाईलाइट करते हैं हम लोग, और उसके बाद में हाईलाइट करने के बाद में, हाईलाइट करने से पहले एक्चुअली हम एक एक पेज को फाड़ के स्कैन भी करते हैं बैक टू बैक। पूरी एक बुक का डिस्ट्रॉय होता है, मतलब बुक ख़राब हो जाती है, पेज अलग फाड़ के हम लोग स्कैन करेंगे, इसलिए आपको ये सब चीज़ें स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं। तो आपके सुटेबल के लिए इतना कुछ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी बुक को हाईलाइट कम से कम जरूर करेंगे, हाईलाइट करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी पूरी ईमानदारी के साथ में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो डू सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेटीएम के माध्यम से, पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और आप बुक को परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन तो उसका लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।